हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये जो इतने सेल्स हैं, हम कई सेल्स को एक साथ कैसे सम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसमें हमें टोटल करना है। मैंने यहाँ पे टोटल का एक कॉलम ऐड किया एज इट इज, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो इस टोटल में हम आज आपको सम करने के 5 ट्रिक्स बताएंगे, जिस ट्रिक्स से आप मैं इसमें 5 ट्रिक्स में एक ट्रिक्स ऐसा मैजिक ट्रिक्स है जो कि आज तक ना आप लोगों ने कहीं देखा होगा और ना कभी सुना होगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें जिससे आप हमारे जो ट्रिक्स हैं एक मैजिक ट्रिक्स को भी जान सकें। तो दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला ट्रिक्स है कि हमें अगर ये तीनों सेल्स सम करना है, इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे टाइप किया हमने इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे टाइप करेंगे एस यू एम सम, ब्रैकेट ओपन, एंड देन जो सेल हमें ऐड करना है उसे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर, हो गया सम। सेकेंड ट्रिक है आपका इज इक्वल टू फर्स्ट सेल शिफ्ट के साथ प्लस, सेकेंड सेल शिफ्ट के साथ प्लस, एंड देन थर्ड सेल, देन एंटर। है ना मजेदार दोस्तों? तो देखिए, दो ट्रिक्स आपको पता चल गया। थर्ड ट्रिक्स है हमारा, आपने सिर्फ कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करना है एंड देन एंटर। अल्ट और एंटर जैसे ही आपने प्रेस किया, देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ गया, एंड देन आप सेलेक्ट करके देन एंटर कर सकते हैं। फोर्थ आपका ऑप्शन है कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं होम के रिबन में लास्ट आपको दिया हुआ है ऑटो सम। ऑटो सम पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ भी आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ गया, तो आप तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 4 सेल हो गया, 4 ट्रिक्स हो गए। फोर्थ ट्रिक है आपका, ये भी बहुत इजी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक सेल में इज इक्वल टू टाइप करना है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, एंड देन पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया हमने, देन ब्रैकेट क्लोज, अगेन शिफ्ट के साथ प्लस, सम, ब्रैकेट ओपन, एंड देन नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया हमने, ब्रैकेट क्लोज, अगेन शिफ्ट के साथ प्लस, सेलेक्ट कॉलम, सॉरी प्लस, सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कॉलम, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका एक सम हो गया। और इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, एंड देन अल्ट एंटर। जैसे ही अल्ट एंटर हमने क्लिक किया, ये आप देख रहे हैं अल्ट एंटर से आपका फॉर्मूला आ गया है, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन एंटर। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला लगा है, ये एग्जैक्टली हमारा सम हो गया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 5 ट्रिक्स सीखे हैं सम करने की। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो अगर आप हमारे न्यू चैनल में न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियोज अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।